नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकुला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड कठुमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले वीरभूमि राजस्थान के लिए बार बार नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मंच पर बैठे हुए कमेटी के अध्यक्ष और सभी श्रोतागण, सभी के चरणों में बार बार वंदना करते हुए ये प्रोग्राम जिकड़ी भजन का जो प्रोग्राम चल रहा है भैरव बाबा के उपलक्ष में गढ़ी जालिम सिंह जिला भरतपुर में आप सुनेंगे। इसके रिकॉर्डिंग करता है श्रीमान देशवाल डीजे साउंड कठुमर राजस्थान से है और प्यारी प्यारी ढोलक बजा रहे हैं मास्टर उपेंद्र सिंह सिंसनवार गांव डिडवारी से और जो झीका पर प्यारी प्यारी झनकार दे रहे हैं वो हैं घनश्याम शर्मा जी रूपा से और आपके सामने आपकी सेवा में हाजिर ये महावीर सिंह मस्ताना। आप सुनेंगे जिकड़ी भजन और क्या बता दिया मास्टर। सुंदर बात चार लाइनों में लिखती कबीराज ने, कि रामायण और पढ़ पढ़ के घिस गई। जो पुस्तक है उसकी बात कर रहा हूं। रामायण पढ़ पढ़ के घिस गई और तो तन मन में पाप समायो। गंगा जमुना और त्रिवेणी मल मल के स्नान बना कि चारो धाम गयो तीर्थ तो मन को मेल छूट नहीं पायो। दोई बारो राम कही मन आनंद पायो। सबसे पहले जिकड़ी में साखी और उपेंद्र मास्टर जी साखी कैसे हैं? पकड़े और मेरे पीर, अरे मेरे पीर रे
तेरी बहना और साची भैया कहिया सज्जनों, ऐसा कोई प्रसंग बाकी नहीं है जो अपने कानों द्वारा आपने कई बार न सुना हो, लेकिन चलते हैं महाभारत के प्रथम खंड से ये भजन आपको हम सुनाने जा रहे हैं। एक दिन राजा पांडु अपने महलों में बैठे हुए हैं, मन में विचार किया कि मुझे शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए, लेकिन क्या बता दिया मास्टर मराठी से, रत हक बाए दियो राजा निज संग में और मात्री को दोनों को समझा रहे हैं राजा कि तुम वहां जाकर क्या करोगी, लेकिन नहीं मानती है। बार बार समझाई रानी, पर एक बात ना मानी है, होनी तो अब है कि रहेगी कैसी दिल में आनी है। उपदेश में क्या भाई भैया, बच्चा हमारे देश का बच्चा बच्चा क्या कह रहा आजकल, अरे मोदी है हम मोदी है, देश का बच्चा बच्चा ये जवाब दे रहा है, अरे मोदी है हम मोदी है, क्योंकि मोदी के इतने अच्छे कर्म हैं, हर इंसान को पसंद आ रहे हैं मोदी जी, और जे 10 रुपए का पुरस्कार चाचा जी देते हैं, धन्यवाद। मोदी है हम मोदी है, मोदी बनकर जीना है, चाचा जी का ये पुरस्कार, अरे मोदी है हम मोदी है, हमें मोदी बनकर जीना है, धूल चटाए दे
दुश्मन पूजा को 56 इंची सीना है क्या बताएं। समझाया कुंती मातृसंग पांडु जंगल में आयो और हिरनी हिरना देख हृदय में अति हर्षायो खेलन लगयो शिकार अरे तक तक तीर दोन के मारे है गए काया पा सुखाय पछार गिरे धरनी पे राजा से ऐसे कह रहे किंदम ऋषि ने अपना रूप बदल रखा था दोनों पति पत्नी मृगा मृगी बने हुए थे और काम के निकल रहे थे लेकिन एक ही बाण से दोनों को पछाड़ दिया। जब अपने स्वरूप में आए और राजा से जवाब कर रहे हैं कैसे भैया क्या बता दिया अब तन कन की ओ क्या ख्याल अरे भूपाल का तन कियो मेरे है रे ओ दर्द अपार सो फट हो जाए राजा ही अन्याय हो गया तने तक के मारो तीर बनो बे पीर भूप अन्यायी तने पादर डारे पार सो दया नाय राजा आई राजा राजा है अन्याय कर रहे हो राजा है अन्याय कर रहे हो और सब मर्यादा तोड़िए अरे विकट बनी के बीच हमारी कैसी किस्मत थोड़ी है सो नेक तरसनाए दिल में कियो नेक तरसनाए दिल में कियो और तेरे दोनों चित्त पछारे अरे राजा तेन बादर और क्या जवाब कर रहे भैया राजा सुन
राजा हमारा कोई दोष नहीं था, लेकिन दोनों को एक ही बाण से मार गिराया। जवाब दिया, बिन अपराध सतायो हमको, बिन अपराध सतायो हमको, और सितम कियो तेने भारिया। अरे आंख खोल के देख चल रही खूनन की पिच कारिये। सो टप टप बूंद गिरे धरती पे, टप टप बूंद गिरे धरती पे, और जे लंबे भरे सहकारे। अरे राजा तेने बादर, लेकिन वो ढोला में क्या समझा रहे भैया। अच्छा जी, अब गाना सुनेंगे। किन्नम सी कहने लगे, हाँ पहला नंबर है साहब, थोड़ा सा टाइम तो मिलना ही चाहिए। जंगल में हम दोनों बिछुड़ रहे हैं, लेकिन जब ये बात सुनी एकदम से राजा पांडु घबरा गए और ऋषि जी कहने लगे, अब सुन एक बात और सुन ले ध्यान से, जरूर था। सो भैया अब कहने लगे मुनिरा, कहने लगे भूपते ने सितम किया भारी, भूपते ने सितम किया भारी।
तो गाना हो जाए साहब। गाना मास्टर नई बात होगी, क्यों ये नया भारत है, नए भारत में नई बातें होनी चाहिए। वो कैसे देशवाल जी, नई बात होगी कि कश्मीर से धारा, कश्मीर से धारा और वो 370 हट गई है। क्यों ये देख के पाकिस्तान की छाती फट गई है। सब कह रहे मोदी मोदी, हमारा देश ही नहीं आज पूरे विश्व में मोदी भी जहां चले जाते हैं वहां भारत माता के जयकारे लगते हैं, वंदे मातरम बोला जाता है। सब कह रहे मोदी मोदी, जाने सबकी ताकत खो दी, बहुत तेरो जोर लगायो, बहुत तेरो जोर लगायो, सब है गए पस्त विरोधी, बहुत तेरो जोर लगायो, सब है गए चित्त विरोधी। क्यों हो गए कश्मीर से धारा, कश्मीर से धारा वो 370 हट गई है। ये देख के पाकिस्तान की छाती फट गई है। और सुना होगा आपने, अब आए अच्छे दिन हैं, सब सुनते थे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन भी आए, लेकिन कैसे आए। अब आए अच्छे दिन हैं, मोदी है तो मुमा, पूरा देश कहता है इस बात को, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा अब आए अच्छे दिन हैं, मोदी है तो मुमकिन है, गिन गिन के बदला लेंगे दुश्मन रो में छिन छिन है। क्यों कश्मीर हमारा हिस्सा, कश्मीर की बात करते हो तुम, पीओके भी उसके साथ में है। कश्मीर हमारा हिस्सा, सब खत्म कर दिया किस्सा, कश्मीर हमारा हिस्सा। इमरान खान की चारों तरफ जहां भी जाता है फटकार मिलती है। इमरान खान की शान जहां में जवाब भी मांगा विरोधियों ने जोर लगाया, तो एक बात और कह दी उन्होंने, क्या कहा, सत्तर में कहा कर दियो, 70 साल में जो राज रहा कांग्रेस का उसमें क्या किया, 70 में कहा कर दियो, सब देश खोखला कियो। We'll be right back.
माँ की नींद उड़ाई ना कोई चैन से जियो। कितना आतंकवाद बढ़ा था। जनता की नींद उड़ाई ना कोई चैन से जियो। क्यों वो पश्चाप गम कुल्ला। कौन वो बादशाह जो बना बैठा है इमरान खान पाकिस्तान का। बेगम महबूब मुफ्ती और वो गुलाम नबी आजाद उसको गुल्ला कह दिया है क्या। वो पश्चाप गम कुल्ला सब कर रहे अल्लाह अल्लाह। वो पश्चाप गम कुल्ला सब कर रहे अल्लाह अल्लाह। लेकिन एक बात और है मोदी जी ने कह दिया साहब। वैसे यहाँ तो सभी हिंदुस्तानी हैं, एक जयकारा तो सबका बनता है, जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की वंदे मातरम। शाबाश। ये मोदी जी का कहना औकात के अंदर रहना। ये पाकिस्तान की छाती फट गई।